चंडीगढ़ कार्निवल की एक बार फिर से रंगारंग शुरुआत हो गई है। इस बार 3 साल बाद चंडीगढ़ कार्निवल ट्राई सिटी में देखा जाएगा। इस बार इसमें कई कुछ खास भी होगा। इस बार बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर्स की म्यूजिकल नाइट होगी, जिसमें बॉलीवुड सिंगर शान और पंजाबी सिंगर जस्सी गिल परफॉर्मेंस देंगे। शुक्रवार को कार्निवल का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। हर बार चंडीगढ़ प्रशासन का टूरिज्म डिपार्टमेंट आर्ट्स कॉलेज के सहयोग से सेक्टर 10 स्थित लेजर वैली में चंडीगढ़ कार्निवल का आयोजन करता है। ऐसे में आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट लेजर वैली में खास तैयारियां करते हैं। देखो, ये 3 दिन का एक कार्निवल है। तो अभी हमारे जो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसको फ्लैग ऑफ किया है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे आपने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, पेंटिंग कंपटीशन है और इवनिंग जो आइटम भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट यू नो द लेगेसी ऑफ चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ ये 3 साल के बाद एक तो हो रहा है, तो वी वांट टू रिवाइव जो पुराने वाला जो कल्चर था हमारा चंडीगढ़ का, उसको रिवाइवल का एक रिस्पॉन्स तो बढ़िया ही लग रहा है अभी तो। अब देखते हैं, ये तो पहला दिन है, कल तक हमें पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स आते हैं। तो लोगों के लिए आने जाने के लिए क्या कोई खास एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, कितना फेस्टिवल है ये? बिल्कुल, इनका आई थिंक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने डायरेक्टर टूरिज्म ने डिफरेंट साइट जहाँ जाने के लिए 42 में एक साइट है कि यहाँ पे एक साइट है और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो उसके सारा इन्होंने अरेंजमेंट किया। तो और जो शॉप्स लगी हैं जो हर तरह की शॉप्स है, जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग की है आपकी, इवन हेल्थ की भी है, ट्रेडिशनल आइटम्स की भी हैं और स्कल्पचर आर्टिस्ट की भी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे। कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? नया मतलब वही, हम अपने आप को पूरे चंडीगढ़ के जो कल्चर को पैकेज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मेडिकल के लिए भी लोगों के लिए कुछ? मेडिकल के हर साइट पे मेडिकल के अरेंजमेंट्स हैं, एक कैंप भी है। कार्निवल में बच्चों और बड़ों के लिए कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्निवल में एडवेंचर पार्क, फूड स्टॉल, म्यूजिकल नाइट समेत कई कार्यक्रम होंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। इसके अलावा भी पर्यटन विभाग की ओर से काफी कुछ देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।